और चलिए अब रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताते चलें कि बड़ी खबर जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की है। आपको बताते चलें कि लापरवाह मंडलायुक्तों की रिपोर्ट उन्होंने तलब की, जहां राजस्व विवादों के निस्तारण में लापरवाही बरती थी, और इस पूरे मामले पर अब लापरवाह मंडलायुक्तों की रिपोर्ट तलब की गई है। 18 मंडलों में 4619 राजस्ववाद के मामले विचाराधीन थे। लापरवाही पर मंडलायुक्तों की श्रेणीवार रिपोर्ट तैयार की गई है। दरअलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, विंध्याचल और आगरा मंडल में सबसे ज्यादा मामले लंबित पाए गए। मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, चित्रकूट धाम का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन जिन जिलों में प्रदर्शन खराब था उन सभी जिलों के लापरवाह मंडलायुक्तों की रिपोर्ट तलब की गई है। राजस्व विवादों के निस्तारण में दरअसल लापरवाही बरती थी। 18 मंडलों में 4619 राजस्व विवाद के मामले विचाराधीन थे, जिसके बाद इस मामले पर अब रिपोर्ट तलब की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, अब यहाँ पर जो लापरवाह मंडलायुक्त थे उनकी रिपोर्ट तलब की गई है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पूरे एक्शन में एनएनसी दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ साथ, अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ, तो साफ तौर पर वो सरकार की छवि को जनता के हितैषी छवि वाली जो टैग है उसको बरकरार रखते हुए तमाम चीजें लगातार कर रहे हैं। और जिस तरीके से 18 मंडल उत्तर प्रदेश में है और 4600 से ज्यादा राजस्ववाद के मामले निस्तारण है, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। साफ तौर पर जो लापरवाह मंडलायुक्त है उनकी भी रिपोर्ट को जो है वो तलब करने की बात कही गई है। अगर देखा जाए तो तहसीलदार, डीएम और मंडलायुक्त का ब्यौरा बकायदा मुख्य सचिव के सामने पेश किया गया है, और जिन जिन मंडलायुक्तों का खराब प्रदर्शन रहा है उनपे बकायदा मुख्य सचिव ने नाराजगी भी जाहिर की है। देखा जाए तो अयोध्या, बस्ती मंडल और अलीगढ़ में सबसे ज्यादा राजस्ववाद के मामले निस्तारण होने को बाकी है। इसमें 2 साल, 3 साल और 5 साल के हजारों मामले ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरठ, चित्रकूट, सहारनपुर, वाराणसी, इन मंडलों के इन मंडलों में रिपोर्ट अच्छी मिली है। राजस्व के मामले जो है वो काफी कम लंबित पड़े हैं, जिसमें 3 साल और 5 साल के मामले बताए गए हैं। तो जहां जहां मंडलायुक्तों की रिपोर्ट अच्छी है, जहां राजस्ववाद के मामले सुलझाने में बेहतर जो है वो काम हुआ है, उनको शाबाशी जो है जरूर मिली है, लेकिन जहां जहां बेहतर काम नहीं हुआ है, राजस्व मामले लंबित पड़े हुए लगातार कई दिनों से, और साफ तौर पर कुल 18 मंडल है और 18 मंडल में 4600 से अधिक ऐसे मामले जो है जो 3 साल और 5 साल से लंबित पड़े हुए, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को आदेश है कि एक रिपोर्ट बनाया जाए, 2 कैटेगरी में मंडलायुक्तों को अधिकारियों को बांटा जाए, इसमें से 1 कैटेगरी वो होनी चाहिए जिसमें बेहतर प्रदर्शन हुआ, जबकि दूसरी में खराब प्रदर्शन करने वालों को रखा गया है। तो दूसरी कैटेगरी जो बनाई गई है जिसमें खराब प्रदर्शन है उसमें काफी ज्यादा मंडल के मंडलायुक्त उसमें शामिल है साफ तौर पर, लेकिन देखा गया है कि कई ऐसे मंडल है जहां पे राजस्ववाद के निस्तारण में काफी सुधार हुआ है अगर तुलना की जाए पिछले बार के मुकाबले, और मामले जो है वो कम लंबित है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिपोर्ट जा रही है मंडलायुक्तों की, तो अधिकारियों पर अब बेहतर काम करने का दबाव जो है वो उत्तर प्रदेश से बनने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो जनहितैषी मुद्दे हैं उनको लेकर काफी जो है वो गंभीर हो चुके हैं, और साफ तौर पर कार्यकर्ता से लेकर अधिकारियों तक स्पष्ट संदेश जा चुका है कि जिस तरीके से लगातार शिकायतें हुई थी कि सुनवाई नहीं हो रही है कार्यकर्ताओं की, या फिर जनता की सुनवाई कई जगह पर नहीं हो रही है, इसके बाद अधिकारियों की बैठक की गई, बैठक में अधिकारियों को टाइट किया गया। साफ तौर पर मुख्यमंत्री का निर्देश था कि जनहित की सुनवाई होनी चाहिए, सीयूजी नंबर जो जनता के लिए उपलब्ध है वो 24 घंटे ऑन होना चाहिए, और उस पर रिस्पॉन्स जो है वो ठीक होना चाहिए। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं, और जो भी जो है काम में हिलावाली व लापरवाही जो है बरत रहा है उसको जो है वो हटाने की या फिर उसको बदलने की भी तैयारी की जा रही है। कुछ अगर देखा जाए तो कुल 11 डीएम जो है वो बदले गए, कुल 12 डीएम माफ कीजिएगा बदले गए उत्तर प्रदेश में कल, जिसमें से ऐसे 11 जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को हार भी मिली थी। तो कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में भी ये चीजें निकल के आई थी कि जिले स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और जिससे तमाम जो कार्यकर्ता है वो काफी नाराज
हाथ दिखाई दे रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय सभी से मिल रहे हैं, सभी से उनकी बातें सुन रहे हैं, सबको समय दिया जा रहा है, जिससे फीडबैक भी अधिकारियों का जो है वो मिलता है। तो साफ तौर पर एक एक तरफ गाज गिरली तय है उन अधिकारियों पे जो लगातार हिलावाली और लापरवाही से काम कर रहे हैं, जनता उनके काम से परेशान है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी बेहतर कर रहे हैं, उनको शाबाशी मिल रहा है या फिर भविष्य में प्रमोशन मिलना भी तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बड़ी सख्ती से इन तमाम मुद्दों पे जो जनता से सीधे जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर अख्तियार कर चुके हैं। बिल्कुल विवेक, और जिस तरह से चूंकि पहले भी इस बात के निर्देश तो दे दिए गए थे कि जितने भी लापरवाह अधिकारी हैं उन पर अब कार्रवाई की जाएगी अगर कामकाज में वे ढील बरतते हैं, और अब उन निर्देशों का पालन भी हम देख पा रहे हैं कि धरातल पर होने लगा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।